एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज मैं बहुत ही इजी एंड ब्यूटीफुल डिजाइन लेकर आई हूँ। देखिए बहुत ही आसान है बनाने में। देखिए इस डिजाइन को आप लेडीज स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, कार्डिगन, फ्रॉक, जैकेट, ब्लैंकेट, कैप, मफलर किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हो। देखिए बहुत ही खूबसूरत बनकर आएगा। देखिए यह डिजाइन सिर्फ 16 रोज का डिजाइन है। आपको 16 रोज रिपीट करते जाना है, 1 से 16 रोज तक ही। देखिए इस स्टिचन को बनाने के लिए आपको मल्टीपल ऑफ 8+2 एज स्टिच में फंदा लेना होगा, मल्टीपल ऑफ 8+2 एज स्टिच। देखिए रॉन्ग साइड पे से दिखता है। देखिए डिजाइन आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है, रो वन आपको राइट साइड से स्टार्ट करते जाना है। देखिए इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 8 2 × 8 16+2 एज स्टिच करके टोटल 18 फंदा डाला है। देखिए रो वन स्टार्ट करना है आपको राइट साइड से। रो वन स्टार्ट करते हैं राइट साइड से। फर्स्ट में देखिए एज स्टिच स्लिप करना है, फिर देखिए अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। देखिए दो फंदा सीधा, एक दो, फिर आगे 5 फंदा उल्टा, एक दो तीन चार 5, फिर आगे पीछे अब एक फंदा सीधा। अब आपको ये रिपीट करना है स्लिप फंदे को छोड़कर, दो फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। फिर से रिपीट करना है, देखिए दो फंदा सीधा, एक दो, फिर आगे 5 फंदा उल्टा, एक दो तीन चार 5, फिर आगे पीछे एक फंदा सीधा। देखिए यहाँ तक दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है स्लिप फंदे को छोड़कर, यहाँ से यहाँ तक। फिर देखिए लास्ट में आपको एज स्टिच बचेगा, इसको सीधा बनना। अब देखिए रो टू रॉन्ग साइड, एज स्टिच स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न। अब यहाँ से धागा पीछे, फर्स्ट में देखिए एक फंदा सीधा, धागा आगे 5 फंदा उल्टा, एक दो तीन चार 5, अब धागा पीछे, अब एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, अब एक फंदा उल्टा। अब आपको ये रिपीट करना है स्लिप फंदे को छोड़कर, एक फंदा सीधा, 5 फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। फिर से करते जाना है, फिर से रिपीट, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, एक दो तीन चार 5, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, लास्ट में एक फंदा उल्टा। देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है। फिर लास्ट में एज स्टिच बचेगा, इसको उल्टा बुनना है रॉन्ग साइड पे। अब देखिए रो 3 राइट साइड, एज स्टिच स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न। फर्स्ट में एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, अब धागा पीछे, अब 5 फंदा सीधा, एक दो तीन चार 5, फिर धागा आगे, अब लास्ट में एक फंदा उल्टा। अब आपके रिपीट करना है, देखिए स्लिप फंदे को छोड़कर, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, 5 फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। फिर से एक करते जाना है, देखिए धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 5 फंदा सीधा, एक दो तीन चार 5, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा। देखिए यहाँ तक दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है। फिर लास्ट में आपको एज स्टिच बचेगा, इसको सीधा बनना है। अब देखिए रो 4 रॉन्ग साइड, एज स्टिच स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न। धागा आगे रखना है आपको, फर्स्ट में 7 फंदा उल्टा, एक दो तीन चार 5 6 7, फिर धागा पीछे, फिर लास्ट में एक फंदा सीधा। अब आपको ये रिपीट करना है, देखिए स्लिप फंदे को छोड़कर, 7 फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक करते जाना है। फिर से देखिए धागा आगे, 7 फंदा उल्टा, एक दो तीन चार 5 7 फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा। देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है।
फिर लास्ट के एज इट इज उल्टा। अब देखिए रो फाइव राइट साइड एज इट इज स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात। अब एक रिपीट करना है स्लिप फंदा को छोड़कर, एक फंदा उल्टा सात फंदा सीधा। फिर से देखिए धागा आगे एक फंदा उल्टा सात फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छ सात। देखिए दो रीजन कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। फिर लास्ट में एडजस्ट सीधा बनना। अब देखिए रो सिक्स रॉन्ग साइड एडजस्ट स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न, धागा पीछे, फर्स्ट में देखिए एक फंदा सीधा, धागा आगे पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच। फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे एक फंदा उल्टा। अब आपको ये रिपीट करना है स्लिप फंदा को छोड़कर, एक फंदा सीधा पांच फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। अब ये रिपीट करते जाना है। फिर से रिपीट, धागा पीछे एक फंदा सीधा पांच फंदा उल्टा, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक फंदा सीधा, फिर लास्ट में भी एक फंदा उल्टा। देखिए यहाँ तक दो रीजन कंप्लीट हुआ है। फिर लास्ट में आपको एडजस्ट बचेगा इसको उल्टा बनना। अब देखिए रो सेवन राइट साइड एडजस्ट स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न, अब यहाँ से एक फंदा सीधा, धागा आगे एक फंदा उल्टा, धागा पीछे पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। फिर धागा आगे एक फंदा लास्ट में उल्टा। अब ये रिपीट करना है स्लिप फंदा को छोड़कर, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, पांच फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। अब ये रिपीट करना है फिर से, धागा पीछे एक फंदा उल्टा सॉरी सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक पांच फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच। फिर धागा आगे एक फंदा लास्ट में उल्टा। देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है। फिर लास्ट के एज स्टेज आपको सीधा बनना है। अब देखिए रो एट रॉन्ग साइड एज स्टेज स्लिप करना है। फिर देखिए अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। फर्स्ट में एक फंदा उल्टा, धागा पीछे एक फंदा सीधा, धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब धागा पीछे एक फंदा सीधा, अब धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो। अब आपको ये रिपीट करना है। देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। फिर देखिए सॉरी लास्ट में दो फंदा उल्टा। अब ये रिपीट करना है। फिर से रिपीट, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा, फिर लास्ट में दो फंदा उल्टा, एक दो। देखिए दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। फिर लास्ट के एज स्टेज आपको उल्टा बनना है। अब देखिए रो नाइन राइट साइड एज स्टेज स्लिप करना है। फिर देखिए रिपीट पैटर्न, धागा आगे तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, अब देखिए तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, अब धागा आगे दो फंदा उल्टा, एक दो। अब फिर से अब आपको ये रिपीट करना है। देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर, तीन फंदा उल्टा तीन फंदा सीधा दो फंदा उल्टा। फिर से रिपीट करना है। देखिए फिर से तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर धागा पीछे तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर लास्ट में दो फंदा उल्टा, एक दो। देखिए यहाँ तक दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है। फिर लास्ट में एज स्टेज आपको सीधा बनना।
अब देखिए रो टेन रॉन्ग साइड एज इट इज स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न अभ्यास से, दो फंदा उल्टा एक दो, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब आपके रिपीट करना है, देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, फिर से एक आते जाना है, देखिए दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। देखिए यहाँ तक दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है, फिर लास्ट में एज इट इज आपको उल्टा बोलना है। अब देखिए रो 11 राइट साइड एज इट इज स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न अभ्यास से, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से धागा आगे, एक फंदा उल्टा, अब धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। अब आपके रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर सॉरी, तीन फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा। अब ये रिपीट करते जाना है आपको, देखिए फिर से रिपीट, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। देखिए यहाँ तक दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है, फिर लास्ट में एज स्टेज आपको सीधा बनना है। अब देखिए रो 12 रॉन्ग साइड, एज स्टेज स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न अभ्यास से, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार। अब आपके रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर, तीन फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, चार फंदा उल्टा, फिर से रिपीट करना है, देखिए तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, अब धागा आगे, चार फंदा उल्टा सॉरी, एक दो तीन चार। देखिए यहाँ तक दो डिजाइन हुआ है, फिर लास्ट एज स्टेज आपको उल्टा बनना है। अब देखिए रो 13 राइट साइड, एज स्टेज स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न अभ्यास से, चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, अब धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब आपके रिपीट करना, देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर, चार फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा, फिर से ही करना है, देखिए चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। देखिए यहाँ तक दो डिजाइन हुआ है, फिर लास्ट में एज स्टेज आपको सीधा बनना है। अब देखिए 14 रॉन्ग साइड, एज स्टेज स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न अभ्यास से, फर्स्ट में दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब आपके रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर, दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, एक आते जाना है, देखिए फिर से दो फंदा उल्टा, एक दो, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर लास्ट में तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन। देखिए यहाँ तक दो डिजाइन कंप्लीट हुआ है, फिर लास्ट में एज स्टेज आपको उल्टा बनना।
अब देखिए रो 15 राइट साइड एज इट इज स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न है वैसे, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन धागा आगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, दो फंदा सीधा, एक दो। अब आपके रिपीट करना है, देखिए स्लिप फंदा को छोड़कर तीन फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा। देखिए अब आपको ये रिपीट करते जाना है, फिर से रिपीट, तीन फंदा सीधा, एक दो तीन धागा आगे, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदा सीधा, एक दो। देखिए यहाँ तक दो डिजाइन हुआ है, फिर लास्ट में जिस चीज आपको सीधा बनना है। अब देखिए रो 16 रॉन्ग साइड, ये लास्ट रो एज इट इज स्लिप करना है, फिर देखिए रिपीट पैटर्न अभ्यास से, एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक दो। अब आपके रिपीट करना है, स्लिप फंदा को छोड़कर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा। अब ये रिपीट करते जाना है, देखिए फिर से रिपीट, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, दो फंदा उल्टा, एक डिजाइन कंप्लीट हुआ है, फिर लास्ट में एज स्टेज आपको उल्टा बनना है। देखिए रो 16 में आपको ऐसा डिजाइन आएगा, आपको 1 से 16 रो तक ही रिपीट करते जाना है, फिर से ऐसे आपको रो 1 से स्टार्ट करना है राइट साइड से। देखिए फिर आपको लास्ट में ऐसा कौन डिजाइन आएगा, लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।